हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 15.1 के 1 टू 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि विकास सर, आप लोग आपकी आवाज बहुत लाउड आती है वीडियो में, आप बहुत लाउड पढ़ाते हैं। आई एम सो सॉरी भाई, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत गंदी आदतें हैं मेरी, पढ़ा ही नहीं पाता हूँ मैं लो वॉइस में, चाहे वो अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ चाहे वो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत कंप्लेंट करते हैं मेरे अपने कोचिंग के टीचर्स भी, विकास सर अपनी आवाज़ कम कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है हमें, पर आदत से मजबूर हूँ। तो आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आवाज के मामले में, ना कि कॉन्सेप्ट के मामले में। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से कह रहा है, ए बैग कंटेन लेमन्स फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो मानली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मानली ने कैंडी निकाली बिना बैग में देखे हुए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्या कह रहे हो विकास भाई, मजाक कर रहे हो हमारे साथ? इन्होंने तो बोला है कि बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और आप कह रहे हो कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो भाई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी हमें। तो भाई ये कौन सा इवेंट है, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है यार। जब बैग में लेमन है तो ऑरेंज कहाँ से आएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। तो भाई इसका फर्स्ट पार्ट, 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ऑरेंज कलर्ड, सॉरी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हमारी हो जाएगी जीरो, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। ओके, अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की पूछी है सेकंड पार्ट में, तो यार ये तो श्योर इवेंट हुआ ना कि भाई बैग में सारी की सारी लेमन है, तो हर हाल में लेमन ही निकल कर आएगी। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कितनी, 1। ओके, ऑरेंज की हो गई 0 और लेमन की हो गई 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 6। छोटा सा क्वेश्चन, चिंटू सा क्वेश्चन, मजाक है हमारी 10th की मैथ्स में, है ना, बट कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992। 3 बच्चों का, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है भाई, और नॉट सेम हैविंग बर्थडे का की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो भाई सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कुछ याद आया, जब पी ई दिया हो, पी नॉट ई निकालना हो, क्या करते थे, 1 में से माइनस। ऐसे ही भाई पी नॉट ई दे रखा है, पी ई निकालना है तो भी हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस। चलिए देखिए, मैंने लिखा P of have same birthday, ओके, इक्वल टू 1 माइनस P not have same birthday। तो भाई इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है not की 0.992, तो 1 में से माइनस करो 0.992 को, तो ये आ जाएगा 0.008। मेरे कई बच्चे ये कह रहे होंगे, कहाँ से आ गया सर ये, कईयों को माइनस करना भी नहीं आता होगा। तो चलो यार ये भी देखो, डाउट तो रखना ही नहीं है, 1 में से माइनस करना था 0.992 को, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर 000 लगाया। अब भाई आप ही जानते हो, 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, तो 1 को कैरी लिया, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। यहां पर अब क्या आया, 9, 9 में से 9 गया 0, अगेन यहां पर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0। जब ये 1 कैरी चला गया तो यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 0 में से 0 गया 0। तो विकास सर कुछ भी डाउट नहीं छोड़ने वाले। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर
7. Now move to the question number 8. रब कर ले इसको. चलिए मैं डस्टर ले लेता हूं. तो भाई मैंने ये रब किया क्वेश्चन नंबर 6 और 7. क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. यहां ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स. तो भाई टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल हो गई हमारी 3 रेड प्लस 5 ब्लैक. तो टोटल 8 बॉल हमारी हो गई. ओके, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. एक बॉल को भाई निकाला गया रैंडमली. What is the probability that the ball drawn is red? Red आने की probability आप लोगों से पूछ रहा है भाई. Red आने की probability क्या होगी? तो क्या होगी भाई? P red. Total number of possible outcome कितने हैं? 8. और red के favor में कितने हैं? Red वाली ball कितनी थी? 3 red ball हैं. तो number of favorable outcome upon total number of पॉसिबल आउटकम, यहां हमने लिख दिया 8. तो ये हो गया 3/8. तो आ गई हमारी P रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8. ऐसे ही भाई P नॉट रेड, दो तरीके हैं यहां पर. एक तो आप रेड वालों को हटा दो, तो हमारी बॉल्स ब्लैक कितनी थी? 5. तो भाई नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 5/8. और दूसरा तरीका क्या है यार, जानते ही हो, P रेड दे रखा है, नॉट रेड निकालना है. तो भाई 1 में से P रेड को माइनस कर दो. तो 1 माइनस 5 3/8 एलसीएम लिया भाई मैंने. यहां पर 8 आया, 1 8 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8 3 हो गया. तो 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5/8. तो दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. ओके, चलिए भाई ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? एक बॉक्स है, 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है. 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन. तो टोटल कितने हो गए? 8 5 13 प्लस 4 17. तो भाई टोटल मार्बल्स 8 प्लस 5 प्लस 4 है भाई यहां पर, 5 8 और 4. तो ये हो गया 17. ओके, अब आपसे कहा 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम. एक मार्बल को निकाला गया. What is the probability that the marble taken out will be red? तो भाई red आने की probability आपसे पूछ रहा है. कितने red marble थे? 5. Total कितने है? 17. तो यार ये तो अब आप लोग बता ही दोगे. तो red marble की probability हो गई भाई 5/17, क्योंकि 5 red थे और total हमारे कितने थे? 17. Okay? Now second part भाई इसका, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी. व्हाइट कितने हैं? व्हाइट है आपके 8 और टोटल कितने हैं? 17. तो भाई व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 8/17. ओके, नेक्स्ट नॉट ग्रीन, अगेन वही कहानी, नॉट ग्रीन बोल रहा है. तो या तो पहले ग्रीन को निकालो फिर 1 में से माइनस कर दो, या यार यहां पर डायरेक्ट कर लेते हैं ना भाई. टोटल 17 थे जिसमें 4 ग्रीन है, तो बाकी बचे हुए कितने बचे भाई? कितने बचे? ग्रीन वालों को हटा दो, 17 में से 4 गए तो कितने बचे? 13. तो भाई नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 13/17. ओके, क्लियर है? हमने क्या किया, टोटल 17 थे उसमें से 4 ग्रीन को हटा दिया, 13 बचे. तो नॉट ग्रीन हमारे बच गए जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 13/17. ओके, तो ये माय फ्रेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका नंबर 9. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन सारे कराने हैं भाई, छोड़ना नहीं है मुझे एक भी क्वेश्चन. ठीक है, लेता हूं मैं दोबारा डस्टर, करते हैं इसको रब.
देख लो एक बार, है ना, पूरा देख सकते हो आप लोग। हटा दो। चलिए भाई अब मैं इसको हटा रहा हूं। इसको भी हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक पिगी बैंक गुल्लक, है ना, बचपन में हम लोग भी अपने पिगी बैंक में पैसे रखते थे। क्या बोल रहा है इसके अंदर, 100 तो भाई 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 50 पैसे कॉइंस कितने हैं आपके, 50 पैसे कॉइंस 100, लिख लेता हूं यार इस बात। आपने कहा 50 पैसे जो कॉइंस है वो कितने हैं भाई, 100, 50 रुपीस वन कॉइन। जो 50 रुपए वो वन वाले कॉइन है वो कितने हैं भाई, 50 रुपीस वन कॉइन है आपके 50। ओके नेक्स्ट, 20 रुपीस टू कॉइन, 20 रुपीस टू कॉइन, तो भाई 2 रुपए वाले कॉइन है आपकी 20 और 5 रुपए वाले कॉइन है आपकी 10। ठीक है, ये 4 टाइप के कॉइन है आपके पिगी बैंक में। तो टोटल कितने कॉइन हो गए, 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे हो गए अब यहां पर 180। क्या बोल रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली, मतलब सबके आने के चांसेस हैं, दैट वन ऑफ द कॉइल विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रुपीस 50 पैसे कॉइन, मतलब 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी। आप लोगों से बोल रहा है यार 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे वाले कितने कॉइन थे भाई, 100, और टोटल कितने 180। तो भाई 50 पैसे वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी हो गई 100/180। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 5/9। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा जल्दी लग रहा हो तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट कर देना यार, अपनी इस गलती को सुधारूंगा मैं, है ना, अगर आप लोगों को ज्यादा फास्ट लग रहा हो, वरना मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की। अब सेकंड बोला है विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, ओके विल नॉट बी आ रुपीज 5 कॉइन, तो भाई रुपीज 5 कॉइन वाले कितने थे, 10। अब ये नहीं होने चाहिए, है ना, तो इनको छोड़कर जो बचे वो हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम। तो नॉट रुपीज 5 कॉइन, 10 को हटा दो तो कॉइन बचे 170, टोटल है 18, 0 से 0 गया, आंसर आ गया 17/18। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए नंबर 6 to 10। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से, जितने भी बचे होंगे क्वेश्चन कोशिश करेंगे वो सारे कवर अप हो सके। ओके, एक वीडियो में मुश्किल है भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है 25, तो 11 से ज्यादा से ज्यादा 17 या 18 तक ही हो पाएंगे। ओके चले भाई, देख लो एक बार और, देख लो इस क्वेश्चन को, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टाटा बाय बाय।